हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। दी क्वेश्चन सेज ए बी सी एंड डी आर फोर पॉइंट्स इन अ प्लेन विथ पोजिशन वैक्टर ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी वैक्टर रेस्पेक्टिवली सच दैट ए वैक्टर माइनस डी वैक्टर डॉट बी वैक्टर माइनस सी वैक्टर इज इक्वल टू बी वैक्टर माइनस डी वैक्टर डॉट सी वैक्टर माइनस ऑफ ए वैक्टर इज इक्वल टू जीरो। द पॉइंट डी देन इज द ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। हमें पॉइंट डी बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, अभी जो हम की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए हम यूज़ करेंगे वो की कंसेप्ट हमारा क्या होगा, पहले वो देखते हैं। देखो, अगर हमारे कोई भी वेक्टर, लेट से एक ए वेक्टर है एक बी वेक्टर है, अगर दोनों डॉट कर रहे हैं, डॉट में और इक्वल टू में डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तो इसका क्या मतलब होता है, जो हमारा ए वैक्टर है वो बी वैक्टर के परपेंडिकुलर है। और पोजिशन वैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, लेट से हमारे पास एक ट्राइंगल है मान लेते हैं, अब ये ए बी सी है। अब हमें ए बी वैक्टर अगर फाइंड करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो बी वैक्टर है उसमें से माइनस कर देंगे ए वैक्टर को, ठीक है। तो ये हमारे आ जाएंगे पोजिशन वैक्टर। तो इन कंसेप्ट को यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो, अभी हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन क्या गिवन है वो देखते हैं। ये दे रखा है ए वैक्टर माइनस डी वैक्टर डॉट बी वैक्टर माइनस ऑफ सी वैक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ऑफ डी वेक्टर डॉट ए सी वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। अब देखो यहाँ से क्या होगा, जो ए माइनस डी वेक्टर है, यहाँ पे हम क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए बी सी डी हमारे चार पॉइंट हैं और उनके जो पोजिशन वेक्टर क्या दे रखे हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर और डी वेक्टर। तो यहाँ से ये हर एक पॉइंट का पोजिशन वेक्टर दे रखा है हमें यहाँ पे। तो जब ए माइनस डी करेंगे तो यहाँ से ये हमारा क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा डी ए और ये क्या हो जाएगा हमारा सी बी। तो यहाँ से इक्वल टू जीरो, इसको अलग करेंगे इसको अलग सॉल्व करेंगे, तो इसको जब सॉल्व करा हमने तो यहाँ से ये आया। अब यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, जो ए डी वैक्टर है हमारे जो सी बी वैक्टर है उसके परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि जो हमने की कंसेप्ट के अंदर देखा यहाँ पे जो ए बी वैक्टर अगर डॉट प्रोडक्ट और जीरो आता है तो दोनों परपेंडिकुलर वैक्टर होते हैं हमारे। अब अगर हम बात करें यहाँ से बी वैक्टर माइनस डी वेक्टर डॉट ऑफ सी वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो दे रखा है, तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, जो बी डी वेक्टर है हमारा डॉट, यहाँ पे डॉट क्या आएगा हमारा, डॉट ऑफ सी ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या आया, जो हमारा बी डी है वो परपेंडिकुलर होगा सी ए के, ओके। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है, जो डी यहाँ भी परपेंडिकुलर, तो यहाँ भी परपेंडिकुलर है ये दोनों। तो अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा डी है इज द इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ऑफ द अल्टीट्यूड पासिंग थ्रू थ्रू ए एंड बी। तो ये क्या बोल रहा है, इसका मतलब क्या होगा, हमारा जो यहाँ पे देखो जो ट्रायंगल बनेगा वो है ए बी सी। अब यहाँ से जो ए से अल्टीट्यूड पास हो रहा है और जो बी से अल्टीट्यूड पास हो रहा है, इनका जो इंटरसेक्शन है यहाँ पे हमारे डी पॉइंट आएगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये क्या होता है, जब अल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन मिलता है हमें पता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा ऑर्थो सेंटर। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो हमारा डी है इज ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ओके। तो ये हो जाएगा हमारे इसका आंसर, ऑर्थो सेंटर ऑप्शन नंबर ए देखना फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक।